हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र सेकंड से अध्याय ठीक है तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है देखिए ये चीज है शिरो विरेचक द्रव्य वामक द्रव्य स्थापन अनुवासन वस्ती युक्ति और 28 ये वाग। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन अट्ठाईस से ही पूछा जाता है ठीक है यहाँ से कम पूछा जाता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है अट्ठाईस तो देखते हैं स्टार्टिंग हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अट्ठाइस ये वाहु ठीक है अट्ठाइस ये वागु, वागु। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये वागु कितने बताए गए हैं तो आपने मार्क करना अट्ठाइस पे ठीक है ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अट्ठाइस ये वागु हो गया उसके बाद अब इसके अंदर हम देखेंगे नाम तो यहाँ पे यवागु है बट इसके अंदर पेय भी है जैसे दीपनी शुलग् ये वाहु और पांचवी ग्राही पेय ठीक है पेय यवागु इन सबको मिक्स करके अट्ठाइस ये वागु नाम बोला है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला दीपनी शुलग्नी ये वागु ठीक है दीपनी और शुलग्नी है हैं? आपको ये याद होना है कि इसके अंदर क्या है जैसे दीपनी शुलग्नी में क्या है पंचकोल अब हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में पंचकोल मिले या ये भी हो सकता है आपको ऑप्शंस में ये मिले पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक सौ या इनमें से कोई भी एक मिले ठीक है तो पंचकोल सबको पता ही होता है कि क्या होता है द्रवगुण में सब पढ़ के आते हैं पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक सोट अगर किसी को नहीं याद है तो इसी को अगर बार 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 रिपीट करोगे या इसी वीडियो को थोड़े बार बार रिपीट करके सुन लोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक सोट सोट को नागर भी कहता है सोट की जगह नागर भी आ सकता है ठीक है तो पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक सोट पंचकोल और पंचकोल क्या होता है दीपनी सबको पता है इंटर्नशिप करी होगी या अगर क्लिनिकल क्लासेस ली होगी तो सबको पता होगा कि ये दीपनी होता है जब भी अग्निमान होती है भूख नहीं लगती है पचन की कंडीशन होती है पेशेंट को तो पंचकोल देते हैं ठीक है थीके? जब डाइजेस्ट डाइजेशन नहीं होता प्रॉपर तो ये हो गया दीपनी हो गया ठीक है और सुलग्नी भी है आपको पता क्या होगा ऑप्शन आएंगे तो आपको ऐसे न, इनको ध्यान में रखना है कि वो आइडिया लगाना है इसको माइंड में रखना है कि अच्छा इसके साथ क्या था है ना जरूरी नहीं आप ये सब रटो आपको चार ऑप्शंस में से एक टिक ही तो माना है, है ना? तो देखो, ये तो आपको फिर भी शुल्कि एक साथ आप ये याद रखो, दीपनी पंचकोल दीपनी पंचकोल ऐसे आप याद करोगे नेक्स्ट आता है पाचनी ग्राही दीपनी के पाचनी के साथ ग्राही अब इसमें क्या आता है चांगेरी तक दाड़िम साधिता साधिता मतलब इससे सिद्ध ठीक है इसके द्वारा बनाई हुई अब देखो इसमें क्या है दधित दधित मतलब दही बिल्व चांगेरी तक्र आप सबको पता है कि तक्रदार क्या होता है जब भी कोई डायरिया की कंडीशन होती है या जैसे आईबीएस का पेशेंट होता है उसमें हम बिल्व देते हैं है ना तो बिल्व बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पे ग्राही है है पाचनी तो बिल्व है सबको पता होता है बेसिक है, है ना सबको पता है बिल्व देता है पेट की उसमें आईबीएस में स्पेशली सबसे अच्छा होता है बिल्व बिल्व आदि चूर्ण अगर दे दो तो आईबीएस में बहुत आराम मिलता है ठीक है ये पता ही होता है सबको है ना और दही जैसे जब पेट ठीक नहीं होता है ना तो क्या कहता है कि खिचड़ी के साथ मूंग की खिचड़ी के साथ दही मिला के खाओ है ना तो ये भी पेट की दिक्कत में हेल्पफुल होता है दही तो आपने क्या करना है ना, इसको अपने माइंड में रखना है ठीक है दाड़े में दाढ़ी मास्टा चून भी पेट के लिए यूज होता है है ना तो तक्र सबसे अच्छा होता है पेट के लिए जब भी पेट की कोई भी दिक्कतें होती है तो बोलते हैं कि मठा पियो तक्र है ना तक्र पीने के लिए दही अकेला नहीं खाते दही खिचड़ी के साथ मिला के खाते और तक्र को पीते हैं अकेला बहुत अच्छा होता है पेट की कोई भी दिक्कत है मट्ठा बहुत अच्छा होता है ठीक है तो ये सारे पेट के लिए है और जो दाढ़ी मास्टा चूर्ण है उसे हम यूज करते हैं जब डायरिया की कंडीशन हो ठीक है दाढ़ी मास्टा चून भी वही यूज होता है बिल्वादी चूर्ण भी वही यूज होता है तो बिल्व दाढ़ी ये तो आ गया दही तक्र ये भी आ गया तो ऐसे आप कोरिलेट करके थोड़ा समझ के चीजों को माइंड में बिठाओगे जरूरी नहीं है सारी चीजें रटनी पड़े है ना तो ये हो गया पाचनी ग्राही पाचनी ग्राही क्या है अब बिना देखे आप बोलो क्या आएगा पाचनी ग्राही में ग्राही ग्राही मतलब ग्राही मतलब जो श्राव को रोके अतिसार में हम ग्राही चिकित्सा करते हैं जो अतिसार में ज्यादा फ्लो होता है है ना मल का तो उसे जो रोके, वो ग्राही चिकित्सा होती है ठीक है तो अतिसार में क्या होता है इसे आप अतिसार से याद करो अतिसार में क्या होता है खाने का डाइजेशन नहीं होता प्रॉपर तो मल की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है ठीक है और वो मल अनडाइजेस्टेड होता है तो उसको अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना है पहले तो फूड का डाइजेशन कराना प्रॉपर मतलब पाचन चिकित्सा करनी है साथ में उसकी ग्राही चिकित्सा करनी है कि जो प्रवृत्ति हो रही है मल की वो रुके है ना तो पाचनी और ग्राही चिकित्सा करेंगे ठीक है अब क्या क्या हेल्पफुल होता है इसमें हम क्या देते हैं आपने देखा है ओपीडीज में बिल्व देता है ठीक है दाढ़ी मास्टा चूंड देता है तक्र पीने को बोलता है मठ्ठा पीने को बोलता है आपने सुना होगा है ना तो मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा तक्र होगा बिल्व होगा दाड़ीम होगा तो कोई भी ऑप्शन आप देखो चार ऑप्शन में से जिसमें ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं उसे टिक मार दो हो गया ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं सवाते इसमें बुक में लिखा है चरक में सवाते और विमर्श में लिखा है वाता जतिसार के लिए अगर वाता जतिसार हो या सिंपल वात लिखा हो ठीक है तो उसमें पंचमूल ही होगा ठीक है साधित तो मतलब सिद्ध पंचमूल याद रखना आप पंचमूल वर्ड पंचमूल ठीक है पंचमूल में क्या क्या होता है लघु पंचमूल होता, होता है बृहत पंचमूल होता है बट यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कौन सा पंचमूल सिंपल पंचमूल लिखा तो ये आपको रटना है ठीक है वातज मतलब पंचमूल वैसे भी जो दशमूल है लघु और बृहद पंचमूल मिलकर दशमूल होता है ना तो ये वात में ही तो देता है जैसे कोई भी फीमेल डिसऑर्डर होता है या कोई भी वातज विकार होता है पेन होता है तो दशमूलारिष्ट चलता है दशमूल चलता है है ना तो ये वात विकारों के लिए ही यूज होता है पंच को पंचमूल लघु और वृहद दोनों और मिलाकर जो दशमूल है वो भी यूज होता है कुछ ना इनमें कॉमन सेंस लगेगी इनमें या कोई भी और जहाँ पे द्रव्य होंगे ना जैसे आता है महाकशाय उसके अंदर भी द्रव्य तो वहां पे ना सब चीजें रटने के बजाय थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ जो आपने ओपीडीज में देखा है है ना क्लिनिकल क्लासेस में देखा है या इंटर्नशिप में देखा है कहीं भी आपने देखा होगा आपको पता होगा इतना इस लेवल में आके पता लग जाता है आप लोग सब मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग आप में से फाइनल ईयर के इंटर्नशिप में होंगे तो इतना बेसिक नॉलेज सबको होती है तो इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस लगा के टिक मारना है ठीक है कॉमन सेंस लगा के ही पढ़ना है और फिर पे छप जाएगा सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिक टिक मर जाएगा ऑप्शन में ठीक है तो वातज अतिसार सब वाते जो भी लिखा हो वातज में पंचमूल साधित पंचमूल याद रखना सिंपल पंचमूल ठीक है अब आता है पित्त कफज अतिसार पित्त कफत के देखो ट्रिक है ठीक है इसमें क्या ट्रिक लगेगी ना पित्त कफज अतिसार है है ना अब देखो पित्त कफज अतिसार में ना पी, पी और के दोनों से ही ऑप्शन आएगा देखो कफज है कफ को हम और क्या कहते हैं इसमें के की जगह एस लगाओ कफ को हम श्लेष्मा भी कहते हैं है, है ना कफ को हम कहते हैं श्लेष्मा तो श्लेष्मा किससे हो रहा है स्टार्ट एस से ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया पित्त कफत अतिसार में क्या हो गया पी से प्रश्न पन्नी और में एस से शाल पन्नी ठीक है ऐसे याद रखोगे आप या पित्त कफज की जगह पित्त श्लेष पित्त श्लेषमिक अतिसार भी याद रख सकता है जैसे भी आपको इजी हो रहा है बट इसकी ट्रिक्श्पन्नी श्लेषमा स से शाल परि ठीक है पृष्ठ पन्नी शाल पन्नी यह याद रखना है किसमें पित्त कफत रह... पित्त कफज अतिसार या पित्त श्लेषमिक अतिसार ठीक है तो पी से प्रश्न पन्नी एस से शाल परी हो गया इतने हो गए नेक्स्ट आता है रक्त अतिसार अग्नि रक्त अतिसार अब देखो रक्त अतिसार अतिसार के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रक्त अतिसार वहां पे किसका प्रयोग है छाग रक्त का है ना अजा रक्त का प्रयोग बताया गया है वहां पे ठीक है तो वही यहाँ पे भी बात है यही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में यही आता ज्यादा ठीक है रक्त तिसार क्या बोला इसमें अर्ध औदक छाग है। मतलब कि आधा पानी और आधा छाग रक्त छाग मतलब अजा मतलब बकरी बकरी का रक्त आधा आधा पानी मिला के उसका पान करवाना है ठीक है प्लस हेबेल उत, हिबेबे उत्पल नागर कृष्ण उत्पल क्या होता है उसकी एक वैरायटी होती है कमल की ठीक है उत्पल नागर कृष्ण ये ठंडे ठंडे है आपको इसको ना जैसे ये पूरा ऐसे लिखा होगा है ना ऑप्शन में आएगा तो बस टिक मारना इसको पूरा रटने की जरूरत नहीं है रक्त दिशा में बस इतना याद रखो कि छाग रक्त है और दो तक छाग है सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है फिर उसके बाद उत्पल याद रखो बस बस ये दोनों चीज याद रखो हो गया फर्स्ट ये सेकंड ये इसे सेट करना है बस माइंड में पूरा रट जरूर आपको ही बेर भी रटा हो कृष्ण पन्नी भी, भी रटा इसको बस सेट करना है क्योंकि ये आएगा तो पूरा आएगा अकेला आएगा तो ये आएगा या तो फिर ये पूरा आएगा ठीक है तो एक उत्पल याद रखो उत्पल ठंडा ठंडा कमल पानी में होता है ठंडा होता है ठीक है और एक अर्ध छाग याद रखो ठीक है ये वैसे भी रक्त तिसार में आपने पढ़ा होगा छाग रक्त अजारक्त ठीक है रक्त तिसार में हो गया नेक्स्ट आता है आम अतिसार ठीक है आम आते अतिसार में क्या है अतिविशा नागर अतिविशा पाचन का काम करता है नागर सौट ये भी पाचन का काम करता है ठीक है तो ये इजी है आम आते नागर अब आता है मुतर क्रिच. मुतर क्रिच में सबसे बेस्ट क्या है जब डायुरेटिक क्या है हमारे उसमें गोक्षुर गोक्षुर को क्या बोलता है स्वदंश ठीक है तो वही है यहाँ पे देखो मूत्र कृछ में क्या है स्वदंश कंटकारी और इसको देता है सफाड़ित के साथ फाणित के साथ इन दोनों से मिला के हम यवागू बनाता है उसको फाणित के साथ पान करता है मूत्र कृच मतलब यूरिन मतलब पास नहीं हो रहा है तो हम क्या देंगे डायुरेटिक देंगे गोक्षुरशा ठीक है और इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कंटकारी पूछा नहीं जाता ज्यादातर तो इसके फिर आपने याद रखना फाणित इसके ये वगो किससे पीता है फाणित के साथ पीता है अब आता है क्रिमिग्न क्रिमिग्नि या क्या याद रखना है विडंग विडंग शिग्रु शिग्रु और इसको तक्र साथ, तक्र विडंग, शिग्रू, ठीक है कृमि मोस्टली होता पेट में ही होता है कीड़े। विडंग पता है सबसे सब बेस्ट क्रिमिघ्न है है ना विडंग क्रिमिघ्न नाम है ना ये पढ़ा होगा आप सबने ठीक है अग्रे में है ये तो विडंग आएगा कृमि में ये ऑब्वियस सी बात है इसे रटने की जरूरत है ही नहीं ठीक है विडंग आएगा ठीक है आपको क्या देखना है शिग्रु और तक्र सबसे ज्यादा कीड़े पेट में होता है और पेट में क्या बताया था मैंने तक्र बहुत अच्छा होता है ठीक है तो इसमें तक्र आएगा शिगरु और इसको किसके साथ पियेंगे सज्जिशार के साथ सज्जिशार के लिए बुक में वर्ड है सुवर्चिका ठीक है फिर आ गया स मतलब विद सर सुवर्चिका सुवर्चिका मतलब सज्जिशार ठीक है वैसे भी शार है तो कीड़ों को मारेगा है ना तो इसमें ये याद रखना है विडंग शिग्रु तक्र के साथ ये वागू

ड्रग सेट कर लो और ऑप्शन में दिख जाएगा आपको बस टिक मार देना सेट करो इसमें रटना नहीं है सेट करना है 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 माइंड में 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 पिपासा क्या हुआ सारी वाल आ जा ठीक है? अब नेक्स्ट आता आपको ये रटना पड़ेगा की सोमराज्य विपाचिता ये बहुत ज्यादा आता है इंपॉर्टेंट है ठीक है विषग्नि इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंस है ना कुछ सोमराजी सोम वैसे भी विषग्न होता है सोम के बारे में आपने पढ़ा होगा है ना तो सोमराज्य विपाचिता ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है विशग्न सोमराज्य उपाचिता अब ऑप्शन पता क्या होगा शिरीशीष शिरीश विषगना ना है ना तो ऑप्शन में होगा शीरीश होगा और भी बहुत सारी चीजें होगी बट का हम आना ठीक है बटका हमारा विभाजिता बार बार आप देखोगे वीडियो बार बार थोड़ा रिवाइज करोगे लर्न हो जाता है कोई इसमें ऐसा है नहीं दिक्कत ठीक है तो सोमराज्य विभाजिता फिर आता है बृहिणी बृहिणी में क्या है वराह निरियो अब वराह मतलब क्या होता है सुअर ठीक है तो सुअर मोटा सा नहीं होता किचड़ में लौटता रहता है मोटा सा होता है तो सुअर खुद मोटा होता है तो ब्रिहड़ में सुअर ही यूज होगा है ना ऐसे याद रखो ब्रिहड़ी वराहा ठीक है सुअर किस में आएगा ब्रिहड़ में अब आता है कर्शनी कर्शनी गवे का नाम ठीक है मतलब गव्य क्या होता है गेहूं ठीक है गेहूं को भून के कर्शनी है ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है बृहणी कशनी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनसे भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कशनी में क्या है गेहूं और बृहणी में सुअर कशनी में गेहूं बृहणी में सुअर अब सुअर को क्या बोला है वराहा ठीक है वराहा और गवेधुक वराह गवेधुक हो गया ठीक है इनको आपको पता है कैसा ध्यान रखना इधर हाइड कर देना अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो या वीडियो भी देख रहे हो तो बस इधर इधर देखो कलरफुल और अब गैस करो कि क्या है जैसे पंचकुल देखोगे तो अब माइंड में रिवाइज करो कि क्या था? अच्छा दीपनी दीपनी था दीपनी के साथ क्या था अच्छा ठीक है जैसे पंचमूल देख रहे हो तो माइंड में सोचो क्या था? अच्छा आते अब फिर ऐसे ये देखो अर्धक गए उत्पल अच्छा यार क्या था माइंड में गैस करो अच्छा रक्तिस ऐसे याद होगा आप इनको हाइड करके इसको देखो फिर उसको सोचो ठीक है ऐसे आपको बस सेट तो करना है माइंड में है ना ऑप्शन में यही दिए होंगे बस टिक माना है कोई पूछने तो जा नहीं रहा ना आपसे आपको बैठा के कोई पूछ नहीं रहा है सेट करना है माइंड में टिक्की तो माना एक ऑप्शन में ठीक है तो इस तरीके से आपको याद रखना है तो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है स्नेहनी स्नेहनी मतलब जो स्नेह स्नेहन कराए ठीक है क्या है सर्पिशमती बहुतिला तो सर्फी मतलब क्या है घृत सबको पता है और तिल मतलब तिल से तेल निकालता है ठीक है तो उसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि स्नेहन कौन कराता है घी और तेल दोनों स्नेहन कराता है ठीक है तो इसमें घी और तेल दोनों होगा तेल किससे निकलता है मोस्टली तिल तेल, तेल। आयुर्वेद में क्या बोला गया है श्रेष्ठ तिल तेल, तेल। है ना हर जगह तिल तेल, तेल यूज होता है तो इसलिए तेल और घी दोनों होता है किसमें स्नेहन में तेल और घी दोनों स्नेहन कराते हैं तो तेल और घी तेल और घी दोनों किसमें होंगे स्नेहन में ठीक है सर्पी तिल दोनों आएंगे तो स्नेहन अब आते हैं रोक्षण रोक्षण रुख्षन किससे होता है आमलक निरयु कृष्ण आमलक निरयु और श्यामक आना ठीक है इसे आप कैसे याद रख सकते हैं श्याम वर्ड किस में आता है वातज से होता है है ना वात वात के जब गुण होते हैं कहीं भी अगर वातज कोई डिजीज है वात पित्त कफ उसके भेद होते हैं तो जो वातज होता है श्याम अगर वर्ड आ रहा है वो वात से ही आता है ठीक है श्याम अरुण ये वात से आता है तो श्याम वात से आता है और वात क्या कराता है रोक्षण कराता है ठीक है और दूसरा होगा इसमें तो कृष ऑलरेडी वर्ड आ ही रहा है है ना तो ये रूक्षता कराएगा कृष कर्षण में नहीं करना है आपने ये याद रखना में क्या है गवधु करना है ठीक है गेहूं बट यहाँ पे कृष के साथ अगर आमलक आ गया तो ये रूक्षण कराएगा ठीक है कृष के साथ आमलक आ गया कराएगा रूक्षता कराएगा इसमें मोस्टली यही पूछा जाता है पहले वाला ही ठीक है बट मैंने श्याम वाला भी आपको बता दिया कैसे याद होगा है ना श्याम वर्ड वाद से बात कराता है रूक्षण ठीक है तो कृष आमलक रूक्षण ठीक है और इसमें है कास अब इसको, का, इसमें है इसको कैसे है? के? देखो। इसमें तीन चीजें क्या है श्वास, कास। यहां पे हर जगह एक चीज आ रही थी या मैक्सिमम दो एक दो जगह आई है तो दो तीन कहीं नहीं आए यहाँ पे ये सबसे बड़ा है, है ना इसमें सबसे ज्यादा चीजें आई है तो इसमें सबसे बड़ा यूज होगा मतलब दस दस दसमूल में क्या वर्ड आ रहा है दस है ना दस मूल्क में दस वर्ड आ रहा है तो ये भी सबसे बड़ा और ये भी सबसे बड़ा तो हिक्का श्वास का जब तीन चीजें आए सबसे ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो तो उसमें सबसे ज्यादा चीजों वाला यूज होगा मतलब दस और कहीं भी ऐसे नंबर नहीं आए ये बहुत बड़ा वर्ड है दस दस ठीक है तो ये वाला बड़ा तो ये वाला बड़ा ठीक है तो दस मूल्क इसमें है हिक्का श्वास कास जो सबसे बड़ा है और हर जगह एक एक ही है देखो सारक भेदनी अनुलोम सब बस एक एक है और कहीं है तो भी दो है बस पाचनी ग्राही दीपनी पाचनी ग्राही दीपनी शुलग्नी बस दो है ना तीन इसी में है सबसे बड़ा सबसे बड़ा हो गया अब आता पकवाशर तो पकवाश के रुजा को जो नष्ट करे ठीक है के को जो नष्ट क्या क्या यमक सिद्ध, यमक मदिरा अब होता है कोई भी दो स्नेह को हम स्ने तो यमक बनता है जैसे घी और तेल घी और तेल दोनों को मिलाएंगे तो यमक बनता है ठीक है तो यमक सिद्ध मदिरा इसमें है पक्वाशा रुझाफम इसे आप ऐसे याद रखते इसमें यमक इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट है मदिरा ठीक है अब इससे आप कैसे अल्कोहल जब अल्कोहल पीते हैं तो भूल जाती है ना चीजें याद नहीं रहती है ना तो जब पेन हो रहा है रुजा मतलब पेन पकवाशय में पेन पेन है है ठीक तो को हमें है पेन को फील नहीं करना है तो जब पेन को फील नहीं करना तो ऐसी चीज हम लेंगे कि हम पेन भूल जाए तो मदिरा अल्कोहल ठीक है तो पकवाशय के रुजा में हम लेंगे अल्कोहल पकवाशय रुजा पक्वाशय मदिरा हो गया ये सेट हो गया नहीं भूलेगा कभी भी अब संग्राही अब ये ध्यान रखना आप लोग संग्राही यहाँ पे आया है और पाचनी ग्राही पहले आया था ठीक है तो ये ध्यान रखना आपने पाचनी ग्राही में क्या था दधिध्यंगेरी तक्र साधता ठीक है ये इसमें था पाचनी ग्राही में था अब संग्राही में क्या है आम जामुन आगे भी बहुत चीज है बट जहां भी आम जागुन हो तो संग्राही या अकेला ग्राही भी आया तो यही लगाओगे ठीक है संग्राही आएगा ग्राही के साथ हमेशा पाचनी आएगा पाचनी ग्राही पे

तीनों इन्वॉल्व होंगे शाक मास माश सारक ऐसे ही याद रखना है ठीक है अब भेदनी भेदनी इसका सारक मतलब जो मल को निकाले और उसका जो बहुत फोर्सफुली मल को निकाले भेदनी जो भेदन करे इसका एडवांस है मतलब इसका एक लेवल अप होगा तो भेदनी भेदनी में क्या होगी तीक्ष्ण चीजें होंगी उसे जल्दी मल को निकालना भेदन करके ना तो शार और चित्रक ठीक है ये ये लाइट चीजें हैं हल्की हल्की देखो शाक मांस माश बस खाना है और इसमें आ गए ठीक है चित्रक और शार तो ये भेदन कर रहा है ठीक है शार, चित्रक, भेदनी। अब अनुलोमनी। अनुलोमन मतलब जो वाद का अनुलोमन करे हरित की सबको पता होता है अभिया मतलब हरित की ही होता है ठीक है अभिया या अनुलोमन अब आता है घृत और तेल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है बहुत 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 ज्यादा और विषम जरखनी भी ये तीनों एक दो तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन इन तीनों से ही आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है घृत और तेल में अब देखिए पहले देख लेते हैं हम क्या घृत व्यापत नाशनी ठीक है मतलब जब अगर कोई घी अगर पी रहा है घी का पान कर रहा है कोई स्नेहन में हम घृत का पान कराता कर है स्नेहन स्वेदन होता है पंचकर्म में पहले स्नेहन होता है ठीक है तो घृत का उसने पान किया अब उसको कोई व्यापक हो गया

मैंने अपने माइंड में सेट किया और मेरा कभी भी कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं होता मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने याद रखना है घी घी का तेल का तेल 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 घी का तक्र सॉरी ठीक है अब अभी मैंने बताया था आयुर्वेद में मोस्टली क्या कह गया तिल तेल कहा गया है ना तिल जहां भी आया तो तिल की बात हुई है ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या आया है तक्र पिन्याक ठीक है पिन्याक मतलब क्या होता है आपको पता है पिन्याक होता है तिल का जो कल्क बनाया जाता है तिल को पीस के उसका कल्क बनाया जाता है उसी को पिंडिया ठीक है, है? तो इसमें अकेला तक्र है इसमें तक्र के साथ तिल है ठीक है और तिल से ही तेल निकलता है ठीक है तिल और तक्र दोनों है इसमें अकेला तक्र है तो तिल कहा होगा जहां तेल होगा क्योंकि तिल का क्या निकल जाता है तेल ठीक है तो तिल तक्र, तिल के साथ तक्र अकेला तक्र तो तिल होगा तेल में तो जहां भी पिंडक वह रहा है तिल तो मतलब तेल ठीक है अकेला तक्र मतलब घी कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं अगर आप इस तरीके से याद करते हैं ठीक है बहुत इजी है बहुत इजी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन क्वेश्चन आता ही आता है आप कहीं क्वेश्चन बैंक लगा रहे होंगे आपको मिल गया होगा कहीं ना कहीं ठीक है <laughs> अकेला तक्र घी और तक्र पिनक तेल क्योंकि पिन्यांक इज इक्वल टू तिल का कल्क तिल इज इक्वल टू तेल तो जहां पिनयाक तेल हो गया अब नेक्स्ट आता है विषम जोराग्नि ठीक है इसमें गौ मास रस गौ मास रस से विषम जोराग्नि ये इसलिए पूछा जाता है ना ये विषम जोर इसमें गौ मास की बात कही गई है है ना थोड़ा कॉम्प्लिक वो हो जाता है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप है ना क्योंकि ऐसा कहीं मोस्टली जगह कहा नहीं गया तो जहां कहा है तो वो थोड़ा अलग सा डिफरेंट टॉपिक आता है तो इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है ठीक है तो गौ मास रस होगा विषम ज्वराग्नि में विषम ज्वाग्नि में गौ मास रस ठीक है आता है कंठ कंठ में क्या है यव यमक, यव यमक एक साथ हो रहा है तो कंठ और यमक सिद्ध मदीरा थीरा पकवा है आपने ऐसे ही लर्न रखना जैसे मैं आपको बता रही हूँ तभी ये याद होंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ठीक है अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वृक्ष वृक्ष में क्या आता है माश ठीक है इसे आप कैसे याद रख सकते हैं किसमें माश घी शीर तीनों चीजें ठीक है दूध घी माश और ये होती है। ना सबको पता है, तो है, है? है इंपॉर्टेंट आता है फिर से ठीक है रेतो मार्ग रुजा अपम इसमें मतलब क्या है कि जो शुक्र का मार्ग है उसमें अगर पेन हो रहा हो ठीक है तो इसमें क्या है ताम्र चूड़ रस ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है डिफरेंस नाम है ताम्र रस है ना ताम्र चूड़ रस आता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि ताम्रचूड़ रस किसमें है रेतुमाग्रुजा अब मधविनाशनी ये भी इंपॉर्टेंट है मधविनाशनी इसमें क्या उपोदिका दधी व्याम तो आपको बस ये उपोदिका याद रखना है जैसे आपने उपोदिका देख लिया तो सीधा मधविनाशनी ठीक है ये कंफ्यूजन होता है याद रखना है उपोदिका है तो मधविनाशिनी और अगर सोमराजी विभाज्यता है तो विशग्नि ऐसे ऐसे ताम्रचूड़ है तो रेतुमाग्रुजाफा ठीक है शुदा नाशक, शुदा नाशक भी इंपॉर्टेंट है है ना मतलब भूख भूख का जो नाश करे क्या करती है भूख को शांत कौन सा करता है अपामार्ग ठीक है बहुत अपामार्ग अच्छा सिद्ध है तो अपा वागू ठीक है तो ये आपका हो गया अठाईसी वागू का टॉपिक कंप्लीट अब इसमें मैंने कम्पेयर करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वागू को ठीक है वैसे तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे ही जाता है कभी क्या हो टाइम की शॉर्टेज है आपके पास बहुत शॉर्ट है है ठीक और पूरा टॉपिक आप रिवाइज नहीं कर सकते तो तो आपको ये तो रिवाइज करने ही करने हैं इसलिए मैंने अलग से लिखे सबसे पहले विषग्नि दीपनी शुलग्नि में क्या था बताइए पंचकोल पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक सौट अब पाचनी ग्राही में क्या था पाचनी ग्राही कैसे मैंने याद कराया था अतिसार से करो है ना तो क्या यूज होता है दाढ़ी मास्टक चूर्ण तो क्या दाढ़ी फिटक्र बिल्व है ना तो ये वाली चीज है पाचन क्या अब विषग्नि विषग्नि क्या था सोम सोम भी पाचित बस सोम याद रखना आपको इसमें ठीक है तो सोम वाला विषग्नि अब ब्रिहिणी में क्या था ब्रिहण मतलब मोटा मोटा कौन होता है सोमवार वराहा ठीक है तो वराहा वाला ब्रिहिणी कर्शनी में गेहूं है ना गेहूं जो क्योंकि जो जो डाइटिंग पे होता है वो चावल अवॉइड करते हैं गेहूं गेहूं खाता है रोटी रोटी है ना ऐसे याद रखो तो कृषि गेहूं गवे दुख है ना विषम ना? व्यापद नाशनी क्या था तक्र और तेल कैसे याद रख कराया था मैंने तेल निकालता है तिल से तो तिलक कलक पिन्याग तो तक्र पियाग दोनों है तो तेल व्यापक अकेला तक्र है तो घृत व्यापक ठीक है फिर रेतो मार्ग रुजा अब में क्या है अभी अभी तो पढ़ा है हमने क्या है

तो आपको पता होना चाहिए हरिद्रा हरेणु अपामवर्द्वा ठीक है नेक्स्ट आता है वामक द्रव्य वामक द्रव्य में अपने ये याद रखना है बस कि इसका एक्सप्लेनेशन करते हुए उन्होंने क्या बोला उपस्थित श्लेषम पित्त जैसे हमें क्या पता होता है कि वमन हम किस में कराते हैं कफ में ना जब कफ बड़ा होता है उसमें वमन कराता है तो हम मार्क कर देंगे अकेला कफ में श्लेष्म में बट यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है उपस्थित श्लेष्म पित्त मतलब पित्त कफ दोनों में वमन कराना है ठीक है वमन किसमें कराना है उपस्थित मतलब कफ पित्त दोनों में नॉट ओनली इन आपको ये चीजें याद रखनी है आता है क्वेश्चन इससे ठीक है कि श्लेषम पित्त दोनों में वमन इन श्लेषम पित्त ठीक है ये है और फिर आता है आस्थापन आस्थापन में क्या याद रखना आपको पाटला अग्निमंत आस्थापन द्रव्यो में दिए गए हैं ठीक है पाटला अग्निमंत्र दिया

ठीक है इसलिए ये साथ में लिखा है और फिर पंचकर्म को एक्सप्लेन करते हुए आगे क्या है? लिखा गया है? कि पंचकर्माणी कालो विचारयन यहाँ पे द ब्लैंक्स आ सकता है ठीक है कि डैश विचारयन किसका विचार करते हुए कि हम पंचकर्म करेंगे पेशेंट में किसका विचार करते हुए तो कोई ऑप्शन होगा स्नेहन स्वेदन पेशेंट के बल का विचार करते हुए और कि रोग के बल का विचार करते हुए बट ऑप्शन क्या होगा मात्रा और काल ठीक है क्योंकि हमने कोई भी अगर उसको वमन वामक द्रव्य देना विरेचक द्रव्य कोई भी द्रव्य देना तो हम मात्रा और काल का विचार करते हैं है ना काल को भी बहुत बड़ा बताया गया है पंचकर्म में कि सुबह सुबह करता है वमन विरेचन सुबह कराया जाता है है ना और किस ऋतु में कराया जाता है तो ये सब काल के अंदर आता है तो आपको ये याद रखना है की जब पंचकर्म ये है पंचकर्माणी कर्वी फिर मात्रा काल विचार मात्रा और काल का विचार करके कराता है ठीक है ये फिर नेक्स्ट में आ जाता है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है युक्ति युक्ति के बारे में तीन पॉइंट बताया गया है इम्पोर्टेंट है ये भी है ना इंपॉर्टेंट है ये ये पूछा जाता है ठीक है एक ये ये ठीक है युक्ति के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है मात्रा काल आश्रय युक्ति युक्ति वर्ड का मतलब क्या है युक्ति का मतलब ब्रेन यूज करके कुछ काम करता है जैसे हम ओपीडी में बैठे हैं ठीक है ओपीडी में बैठ के पेशेंट हमारे सामने है हम उसको कौन से ड्रग लिख रहे हैं कितने डोज लिख रहे हैं है ना और कितने टाइम खाने का लिख रहे हैं टीडीएस है बी डी है ओ डी है ठीक है तो ये सब क्या है युक्ति ठीक है तो इसलिए युक्ति में क्या है मात्रा काल आश्रय युक्ति हम मेडिसिन के डोज और टाइम जो सेट करते हैं वो हम अपने दिमाग से करते हैं ना तो वही युक्ति है ठीक है तो इसमें दो वर्ड है मात्रा काल युक्ति किसमें आश्रय तो होती है इसका मतलब क्या है देखो युक्ति डिपेंड्स ऑन मात्रा और काल ठीक है तो मात्रा काल आश्रय युक्ति फिलिंग आता है इसमें डैश आश्रय युक्ति

देखो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ना दवाइयां सेम चलती है वही दवाई एक डॉक्टर लिख रहा है वही दूसरी डॉक्टर लिख रहा है बट एक डॉक्टर का तो पेशेंट के भीड़ लगी है दूसरे के पे पेशेंट आई नहीं रहा कोई भी क्यों होता है क्योंकि डोज भी इंपॉर्टेंट होता है कि और कितने टाइम तुम दे रहे हो मेडिसिन ठीक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो सिद्धि क्या होता है सिद्धि मतलब फेमस होना सिद्ध पुरुष बोलते हैं ना बहुत फेमस होना उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना उसको नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ मिलना तो ये किसको मिलेगा जिसके अंदर युक्ति अच्छी है दिमाग जो अच्छा है जो अच्छे दिमाग से कर रहा है जो है ना तो क्या लिखा है इसमें सिद्धि युक्त तो प्रतिष्ठित मतलब सिद्धि नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ युक्ति में प्रतिष्ठित है ठीक है सिद्धि युक्ति में प्रतिष्ठित होती है ठीक है समझ आ गया ना ये आपको जो युक्ति अच्छी लगा रहा है डॉक्टर

युक्तिज्ञो द्रव ज्ञानवता अब इसमें दो टाइप के वैद्य एक युक्तिज्ञो एक द्रव ज्ञानवता एक तो वैद्य है जिसे द्रव्य के बारे में पूरी नॉलेज है भाई जो ऐसा दिखता है वो मुलेट ही ठीक है इसका ये कलर है ये 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 सब कुछ पता है और एक है युक्ति जिसको युक्ति का पता है कि कौन अच्छा इस ये डिजीज है इसमें कौन सी ड्रग देनी है उसकी कितनी डोज है कितने टाइम पे देनी है तो वो युक्तिज्ञ वैद्य है ठीक है और जैसे यूज अच्छे से पता है यूज ड्रग का वो युक्त वैद्य और जैसे ड्रग के बारे में नॉलेज अच्छी है वो द्रव्य ज्ञानवता वैद्य ठीक है थीके? तो हमेशा युक्तज्ञ वैद्य ऊपर होता है द्रव्य ज्ञानवता वैद्य से ठीक है तो ये है तो बस यहीं पे चैप्टर हो जाता है कंप्लीट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठीक है